अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जहान फन चैनल में आपको वेलकम करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि प्रोटागनिस्ट और एंटागनिस्ट में क्या फ़र्क है। ये दोनों चीज़ें जो है वो उमूमन तौर ड्रामास और प्लेस जो होते हैं उनमें यूज़ की जाती है। तो आइए चलते हैं कि प्रोटागनिस्ट क्या है और एंटागनिस्ट क्या है। तो प्रोटागनिस्ट जो है वो जो है हम हीरो को कहते हैं। जो हीरो होता है, जैसे आप फिल्म देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, जिसमें जो हीरो होता है उसको हम प्रोटागनिस्ट कहते हैं लिटरेचर में। और एंटागनिस्ट जो होता है, जैसे विलन होता है किसी ड्रामा में, मूवी में, तो उसे हम एंटागनिस्ट कहते हैं। मगर ये जो दोनों चीज़ें हैं, प्रोटागनिस्ट और एंटागनिस्ट, ये ड्रामास और प्लेज में यूज़ की हुई की जाती हैं। और प्रोटागनिस्ट के जो फीचर होते हैं, जो प्रोटागनिस्ट हीरो होता है उसमें वो लॉयल होता है, ब्रेव होता है, करेजियस होता है, परसवेरेंस होता है, हार्ड वर्किंग होता है, डिटरमाइंड होता है, क्विक थिंकर होता है, काइंड और केयरिंग होता है, और लाइकेबल होता है, सबको पसंद आता है। और जो एंटागनिस्ट होता है वो एरोगेंट होता है, फूलिश बेवकूफ़ होता है, रूड होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, मीन होता है, जीलियस होता है, जजमेंटल होता है, ग्रीडी होता है, लेजी होता है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और मज़ीद जो एग्ज़ाम्पल है जैसे मैंने दिया हुआ है कि हैमलेट जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का, उसमें जो हमारा प्रोटागनिस्ट है वो हैमलेट है और जो एंटागनिस्ट है विलन वो क्लेडियस है। और अ टेल ऑफ टू सिटीज़ में जो है वो हमारा प्रोटागनिस्ट चार्ल्स डार्ने है और एंटागनिस्ट जो है वो मैडम डिफार्जे है। और जो है वो ऑरलैंडो और ड्यूक फ्रेडरिक एज यू लाइक इट जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का, उसमें ये जो है वो प्रोटागनिस्ट है और ये एंटागनिस्ट है। और विलियम शेक्सपियर का एक दूसरा प्ले है ओथेलो, उसमें ओथेलो प्रोटागनिस्ट है और आईएगो जो है वो एंटागनिस्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। और उसके साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो।